Welcome to my channel. I hope you are fine and safe. आज मेरी छुट्टी है स्कूल की. Today is Sunday. तो मुझे एक काम मिला है. मुझे बथुए को तोड़ना है और इसके अंदर डालना है. और आज सारा काम हम चूल्हे पे करेंगे. मैं आपको दिखाऊंगी. बथुए की पत्तियां तोड़ के हम रायता बनाएंगे. जैसे ही मेरा काम खत्म होता है हम इसको वॉश करके चूल्हे पे उबलना रख देंगे. बाजरे का आटा तैयार हो रहा है रोटी बनाने के लिए. रोटियां बननी शुरू हो गई है. फ्रेंड्स अब मैं खाना खा रही हूँ. ये मेरा गुड़ है. ये मेरी रोटी है, बाजरे की रोटी है. ये मेरे बथुए का रायता है. बाजरे की रोटी के साथ बथुए का रायता भी अच्छा लगता है और सरसों का साग भी अच्छा लगता है. मुझे सरसों का साग अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने बोल के बथुए का रायता बनवा लिया है. फ्रेंड्स अब मैं खाना खा लेती हूँ. फ्रेंड्स ये हल्दी है, ये सिर्फ लास्ट हल्दी बची है और गमलों में भी थी ये, पर वो अब हमने इसको भी उसको भी खोद लिया था. अब ये लास्ट है. हमने इसको घर पे इसलिए उगाया है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है. हम इसको दूध में डाल के पीते हैं. हल्दी रोगोस से लड़ने की शक्ति को बढ़ाती है. ती है कच्ची हल्दी. बाजार से भी मिल जाती है कच्ची हल्दी, पर उसमें बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल्स का यूज़ होता है. अब फ्रेंड्स थोड़ी थोड़ी हल्दी दिखाई देने लग गई है. ये जो आपको दिख रही है हल्दी दिखाई देने लगी है. फ्रेंड्स ये रोज का प्लांट है जो हमने हल्दी वाले ही गमले में लगाया है. सो हमें हल्दी निकालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि हमें रोज को भी बचाना है और हल्दी भी खोदनी है. फ्रेंड्स हल्दी निकल चुकी है. हम इतनी गहराई तक पहुंच चुके हैं. अब फ्रेंड्स हल्दी निकल चुकी है. अब हम इसको इस वाले कटोरे में रख लेंगे, फिर वॉश करके हम इसको रख देंगे. फ्रेंड्स अब हमने हल्दी को वॉश कर लिया. देखो फ्रेंड्स अब हम इसको रख लेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर पक्का करना. बाय.